तो एक तरफ जहां सभी देशों की नजरें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। में देखें तो अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर ना मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर ना मिले और उसकी कोशिश भारत को रोकने में ही थी, लेकिन अंत में आते आते अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने वीटो पावर को लेकर भारत का समर्थन करने की शुरुआत की। उसके पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि CRIC एक्टिव हो चुका है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब RIC के पीछे पड़ने की होड़ में जुट चुके हैं। आखिर RIC क्या है और इसको को लेकर रिसेंटली कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे RIC को एक्टिव करना पड़ा, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके एस्ट्रो सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए यह एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय वीटो पावर को लेकर खूब चर्चा हो रही है और दुनिया भर के कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार वीटो पावर ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई साल से कोशिश कर रहा है और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हरगिज नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। असल में वीटो पावर का मतलब है कि कोई देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें, और अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं और जब कभी किसी भी देश की परिस्थितियों में उथल पुथल मची है तो इनको जिन्हें सपा करना रहता है उनके खिलाफ दूसरे देश पर सैंक्शन लगा देते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश दुनिया में हमारा भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसीलिए भारत UNSSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफी समय पहले से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को भी महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। लेकिन यहां पर ज्यादातर यूरोपीय देश के साथ साथ इटली, जर्मनी और जापान यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश है, जबकि भारत का नंबर 5वें स्थान पर आता है। और अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जर्मनी और जापान को पचने वाली नहीं है, इसलिए भारत की टांग खींचने में इनके द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हम लोगों को यह बात अच्छे तरीके से मालूम चल चुकी है। इसीलिए भारत ने वीटो में शामिल होने के बजाय अब वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IC, जिसका फुल फॉर्म है रसिया इंडिया चाइना साथियों एक तरफ, जहां सभी की नजरें भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर RIC को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी वह बादशाहत खत्म होने जा रही है और इसमें अब भारत और रूस की बादशाहत आने जा रही है। दरअसल 11-12 सितंबर को एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी है वह मिलने पहुंचे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, और वहां पर न सिर्फ उनकी मीटिंग रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होती है बल्कि एक खास तरीके की मीटिंग चीन के फॉरेन मिनिस्टर तवांग के साथ भी होती है। मतलब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में रूस भी था, भारत भी था और वहीं पर चीन भी था। यह बात आपको सुनकर थोड़ा अनसुनी जरूर लग रही होगी, लेकिन इस मीटिंग में तीनों देशों के मेंबर मौजूद थे और भारत का कोई छोटा मोटा मेंबर नहीं, बल्कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वह खुद इस मीटिंग में पहुंचे थे।
लेकिन तीनों देशों के बीच मात्र इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा होता है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मात्र इस एक मीटिंग के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस बात की जानकारी दी कि जो भारत की चीन के साथ डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम है वह 75% सॉल्व हो चुकी है और तुरंत ही जो चीन की आर्मी है वह लद्दाख से पीछे हट जाती है। यानी कि भारत चीन के बीच में जैसे ही रूस ने एंट्री मारी वैसे ही भारत की एक एक इंच हड़पने की कोशिश में जो चीन जुटा हुआ था उसी चीन की आर्मी पीछे हट जाती है। लेकिन यह सब हुआ इसीलिए क्योंकि दुनिया के जो पावर सेंटर है वह वहां कई में बदल रहे हैं। एक समय था जब यह बोला जाता था कि अमेरिका के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन है और अमेरिका की ही ऑनरशिप वर्ल्ड बैंक पर है। यहां तक इनका कंट्रोल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी है। मतलब आने वाले समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपनी मुट्ठी में सभी देशों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब वहां कई में पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं और जो पावर है वह भारत के हाथों में आता हुआ देखा जा रहा है और जो कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है वह कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नवंबर 2021 में रिलीज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन देशों के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे एक तगड़ी मीटिंग के लिए, जिसमें रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था। और तीनों देशों के कॉम्बिनेशन देखने में भले ही आपको अजीब लग रहा है, लेकिन यह तीनों देश मिलकर एक ऐसा ट्रीलेटरल ग्रुप बनाते हैं जिन्हें RIC के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से चीन ने भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू की है, अगर इसी तरह भारत की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो तीनों देश मिलकर इतना स्ट्रांग पावर कंट्रोल ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसके आगे यूनाइटेड नेशन को तो भूल ही जाइए और वीटो की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रसिया भी एक प्रकार का सुपर पावर कंट्री है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से इस पर सेक्शन लगाया और यूक्रेन से युद्ध के दौरान रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया, उससे रूस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। इसलिए रूस को खड़े होने के लिए जरूरत है बैसाखी की और रूस की। बैसाखी के रूप में भारत काम कर रहा है और भारत जैसे ही रूस की बैसाखी बना वैसे ही भारत रूस और चीन तीनों देश एक साथ मिल चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है भारत और चीन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में माना जाया जाता है इन दोनों देशों के साथ। अब मिल चुका है दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा माहिर है। और सबसे पावरफुल मिलिट्री अगर किसी देश की है तो वह रूस की है। और तीनों देशों के मिलने के बाद दुनिया की 40% आबादी इसी RIC ग्रुप के अंतर्गत आ जाती है। और जिस तरीके से RIC ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इससे UNSSC और वीटो पावर का कार्ड मिल चुका है। क्योंकि जिस समय UNSSC बना था उस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी किसी और देश की थी, लेकिन इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत की है। फिलहाल आप लोगों का RIC के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और पावर सेंटर का जो कंट्रोल एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर जरूर सेलेक्ट करें और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दें।